रोज रोज एक ही सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, तो बनाइए ये चटपटी सी शिमला मिर्च की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्ट लगता है और ये 5 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्यामली दे मोदक में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शिमला मिर्च की चटपटी सब्जी बनाने चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मीडियम साइज का प्याज ले लिए हैं, दो इसे लंबे शेप में काट लिए, दो मीडियम साइज का टमाटर इसे भी लंबे लंबे काट लिए, और दो शिमला मिर्च इसे भी लंबा लंबा शेप में काट लिए। अब सूखे मसाले में लिए हैं स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और ये खारा जीरा है 1/3 छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1/4 छोटा चम्मच चीनी लिए हैं। तो चलिए बनाने के लिए चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लिए है और कढ़ाई गर्म हो गया। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तो तेल का यहाँ पर हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जीरा डालेंगे। तो जीरा को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो शिमला मिर्च को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, इसे हम 2 मिनट भून लिए। अब इसमें हम लंबे पीसेस में कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब इसी के साथ हम दो हरी मिर्च डालेंगे। तो इसे हम बीच से चीरा लगा दिए और इसे भून लेंगे। तो देखिए, प्याज भुना गया। अब इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो टमाटर को भी भून लिए। अब इसमें हम सूखा मसाला डालेंगे। तो नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा, तो इसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए, मसाले को हम अच्छे से मिला दिए। अब इसे ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4 मिनट हो गया, इसे चेक कर लेते हैं। तो टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज कुक हो गया है, तो इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और चीनी 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो गया, अभी अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए, तो इसे हम एक बाउल या प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हम इसे निकाल लिए, आप इसे पराठे के साथ या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।